बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, हकीकत टीवी में खुश आमदीद। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे। हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि ज़माना आखरत में फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। CIA रॉ ने जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामों और पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल के ज़रिए पाकिस्तान को तबाह किया है, इसकी तो कोई मिसाल नहीं मिलती। मगर जिस तरह पाकिस्तान के इश्तहार पाकिस्तानियों की प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, ये सबसे ज़्यादा ख़तरनाक है। हाल ही में कोको कोला का एक इश्तहार आया है जिसमें एक गुलकारा मोमिना मुस्तहसन है। सवाल ये है कि आप एक सॉफ्ट ड्रिंक प्रमोट कर रहे हैं, समझ से बाहर है। ड्रिंक एक रिजक की फॉर्म है, मगर इस ड्रिंक का डांस से क्या ताल्लुक है? कोई भी पाकिस्तान का आप इश्तहार ले ले, इसमें डांस डांस और सिर्फ डांस, नाच नाच कर हर चीज, गाने डांस, हर एक चीज को नाच नाच कर प्रमोट किया जा रहा है। कोको कोला का इश्तहार है, इसमें भारतीय गुलकार टोनी कक्कड़ और यंग देसी भी शामिल है। कोक स्टूडियो ने पाकिस्तान में गाने का नया निजाम मुतारिफ करवाया। लोगों के अंदर गाने, म्यूजिक, इन चीजों को आम करने के लिए कोक स्टूडियो का बहुत बड़ा किरदार है। इसमें इन लोगों ने इल्यूमिनाटी और शैतानियत को भी प्रमोट किया। आप कोक स्टूडियो के अंदर इल्यूमिनाटी के बहुत सारे साइंस देखेंगे, चाहे आप मिशा शाफी जैसी इल्यूमिनाटी की एजेंट की जैकेट पर शैतानियत की प्रमोशन देखें या कुछ और। हम सब चुप हैं। शान मसाले का इश्तहार वो भारत से बनवाते हैं, कुकिंग ऑयल का इश्तहार वो भारत से बनता है, वहाँ के अदाकार, वहाँ का कल्चर, हर चीज में गाना डांस कल्चर हम पर मुसल्लत किया जा रहा है। इंदिरा गांधी ने कहा था कि पाकिस्तान पर बम फेंकने की जरूरत नहीं है, इनके हर घर में हमारा कल्चर पहुँचा दो, ये वैसे ही तबाह हो जाएंगे। वही कुछ हो रहा है। आप गौर करते चले जाएं, आपको हर इश्तहार में एक ही चीज मिलेगी, नाच गाना डांस और लड़का लड़की की आश की मोहब्बत, बदकारी वगैरह। हमारे दिमागों को, हमारी नस्लों को इतना तैयार कर दिया इन लोगों ने कि हम सबको अब अपने कल्चर का ये हिस्सा लगता है। मॉर्निंग शो देख ले, वहाँ तवायफों का जुमा बाजार लगा हुआ है। एक वक्त था कौम सुबह सुबह उठकर कुरान मजीद की तिलावत करती थी, अल्लाह का नाम लेती थी। आज उठो तो हर चैनल पर तवायफें आई होती हैं जिनको चार चार तलाकें हुई होती हैं और वो आकर हमको सिखाती हैं कि घर कैसे चलेगा। अब आप देख सकते हैं कि कोई भी इश्तहार हो उसमें आपको नाच गाना ही मिलेगा। ये सुपर बिस्किट का इश्तहार, आप इस इश्तहार में देखिए, एक सीन में लड़का लड़की शादी पर डांस कर रहे हैं और बिस्किट खा रहे हैं, दूसरे सीन में लड़के लड़कियां पार्टी में डांस कर रहे हैं, बदकारियां कर रहे हैं, बिस्किट खा रहे हैं, तीसरे सीन में लड़की गाड़ी की छत पर डांस कर रही है। आप सिर्फ इतना बता दें कि बिस्किट का डांस से ताल्लुक क्या है? आप गौर करें हैं किस तरह हमारे जहनों को तैयार किया जा रहा है फांसी के लिए। जब हम अपनी फैमिली के साथ बैठ कर देखते हैं, हमको लाशौरी तौर पर तैयार किया जाता है, हमको ये चीज़ें बुरी नहीं लगती। लड़के लड़की का इश्क, गैर मर्दों का फहाशी, पार्टी, डांस, यारी दोस्ती, बदकारी, हर एक चीज़ को आम कर दिया गया है। आप देखिए किस तरह हमको बदकार फहश बनाया जा रहा है। और कहने को यह है कि जी ये बिस्किट का इश्तहार है, ये इश्तहार नहीं, ये हमारी माइंड प्रोग्रामिंग है। दूध का इश्तहार देख लें, वैसे तो तरंग दुनिया का सबसे थर्ड क्लास दूध है, मगर इसमें भी यही चीज़ है, चाय पीते हैं डांस शुरू हो जाता है। कौन सा घर ऐसा है जहाँ इस तरह चाय पीते ही डांस शुरू हो जाता है? चाय का डांस से ताल्लुक क्या है? ये जोन का इश्तहार है, इसमें आप देख रहे लड़की आधे नंगे कपड़े पहनकर डिस्को में जाती है, वहां डीजे, वो भी एक लड़की है, नाच गाना मदहोश, इसका इंटरनेट से क्या ताल्लुक है? हर जगह डांस गाना, पाकिस्तान की 99% आबादी का डिस्को से क्या ताल्लुक? हमारे घर की लड़कियां क्या रातों को जाकर शराबों के ग्लास पकड़कर डिस्को में आधे नंगे कपड़े पहनकर जाती है? हमारी नस्लों को क्या तालीम दी जा रही है? हम सबको तैयार किया जा रहा है कि बदकारी, फहाशी, डान, ये सब आम सी बात है। हम भारत से मुकाबला करने की बात करते हैं, मगर उनके इश्तहारात, उन्हीं के इश्तहार बनाने वाली कंपनियां, ये तमाम लोग हमें कैसे तबाह करें हमको इसका पता भी नहीं है। उन्होंने हर इश्तहार में हमको बदकारी, फहाशी, तबाही, नाच गाना, हर बुरी चीज हम पर मुसल्लत की हुई है। जरा जाकर आप हाल देखिए वैलेंटाइन डे पर होटलों का, जो बदकारी, जो फहाशी होती है, निकाह को हटा दिया गया है और हमको किस तरफ ले जाया जा रहा है। एक तरफ रॉस ये इस मुल्क में धमाके करवाते हैं तहरीक तालिबान जैसी दहशतगर्द जमात को खड़ा करके, दूसरी तरफ ये लोग इस तरह हमको तबाह करते हैं। हमको बताया जाता है कि या तो तहरीक तालिबान की तरफ चले जाओ या फिर इनकी तरफ चले जाओ, यानी हमारे सामने ये दो घटिया च्वाइसेस रख दी हैं कि आप या तहरीक तालिबान वाली साइड पर जाएँ या आप लोग इस फहाशी वाली जगह पर। यानी पाकिस्तान की 70% आबादी देहातों में है, हमारी तो हालत यह है कि 99% पाकिस्तान की आबादी ने आज तक कभी डिस्को की शक्ल नहीं देखी
और दिखाया जाता है कि हमारी बच्चियां आध नंगी हालत में रातों को याशियां कर रही हैं। रॉ सीआईए इल्यूमिनाटी घुस चुका है हमारे अंदर। याद करें इस हदीस को, हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था, फितने तुम्हारे घरों में ऐसे दाखिल होंगे जैसे बारिश के कतरे। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको वक्त पर मिलती रहे।